तो पलामू के धरती पर मशहूर सनातन धर्म के कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का आगमन हुआ। वो काशी से 11 बजे सुबह मेदिनीनगर चियांग की हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जिसके बाद सड़क मार्ग से उन्हें कोयला नदी के तट पर ले जाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने कोयल नदी का जल अपने कलश में भरकर पुनः सभी ने वापस हाउसिंग कॉलोनी यज्ञ स्थल तक पैदल यात्रा की, जिसके बाद देवकी नंदन ठाकुर ने उपस्थित सनातनी भक्तों को भी संबोधित किया। तो आपको बता दें कि इस कलश यात्रा में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, तो वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म सभा की तरफ से अनेक प्रकार की झांकियां निकाली गई। तो खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ बाय स्कॉप के साथ। नमस्कार।